So now today we'll do, if we don't sell the, जैसे last time के 15,000 है ना, और पूरा का पूरा स्कूटर एक साथ बिका ना, पूरा का पूरा स्कूटर एक साथ बिका ना एक क्वांटिटी में 10,500 में, सो ये बाय भी वन यूनिट हुआ और सेल भी वन यूनिट हुआ। अगर ऐसा ना हो और अगर वो मल्टीपल जैसे ड्रेसेस है, तो जैसे ऊपर के एग्जांपल में है, उसने कितने बुक्स लाया 800 और उसने 600 अलग बेचा, 200 अलग बेचा है ना, 600 बेचा प्रॉफिट में और 200 बेचा लॉस में, तो टोटल उसका कितना हो गया, प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, ये पूछ रहे हो लोग, समझ रहे हैं? समझ गया। ओके, तो अभी देखते देखो, तो बुक सेलर परचेज 800 कॉपीज फॉर 4400, तो उसका पर कॉपी का निकालो, अभी क्या निकालो पर कॉपी, तो सीपी ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ क्या, सिंगल कॉपी, तो कितना हो गया 4400 में 800 है, तो ये कितने में आई, कितना हो रहा 5.5, 5.5 है ना, तो सीपी ऑफ सिंगल कॉपी कितना हो गया 5.5, ठीक है, ये मिल गया आपने। अब उसने 600 अलग बेचा और 200 अलग, तो 600 अलग और 200 अलग, अब जो है 600 का सीपी कितना हो गया फिर 600 × 5.5, कितना आ रहा देखो 3300, सही है, और फिर उसका कितना हो गया 200 का 1100, क्योंकि दोनों मिला के 4400 हो रहे ना, ये हो गया 1100। ओके, अभी उन्होंने क्या दिया है कि 600 को बेचा प्रॉफिट पे, क्या बेचा प्रॉफिट परसेंटेज कितना, और इसको बेचा कि लॉस में कितना 25%, तो अभी इसका एसपी निकाल, अभी इसका एसपी निकाल, आएगा निकालने एसपी इसका भी इजी फॉर्मूले से आएगा ना, तो निकाल जल्दी से, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया 3960, इनका सेलिंग प्राइस हो गया 825, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, हाँ भाई 4785, ठीक है, तो ओके, तो अभी टोटल सीपी कितना था, टोटल सीपी 4400 ना, तो ये प्रॉफिट है क्या लॉस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है राइट, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज फिर अब इस पे डाल दो फॉर्मूला के ऊपर, डाल दो फॉर्मूला के ऊपर, तो एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स, तो क्या बोलेंगे अपन उसको, लेट द प्रॉफिट परसेंटेज बी एक्स, तो 100 प्लस एक्स डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी है ना, इंटू सीपी, तो एसपी कितना हो रहा है
4 7 8 5 equals to 100 plus x upon 100 है, upon x upon 100 है, upon x नहीं है, into into क्या 4400. तो ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कट गए, ये कट और ये कट. तो अभी क्या होगा 4785 equals to 44 into 100 is 4400 plus 44x है ना. अब ये प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4785 माइनस 4400 इज 44x. तो ये कितना हो गया 385. कितना हो गया ये 385 ना, 385 इक्वल्स टू 44x. तो क्या हो गया 385 डिवाइड बाय 44 इक्वल्स टू x, कितना हो रहा है 8.75. ये आपका x हो गया. तो इसको डाल देने का बॉक्स में और क्या लिखने का कंक्लूजन. देयरफॉर टोटल प्रॉफिट earned on the whole transaction is, सही है ये देखो उसका आंसर, देखो क्या आंसर है दिख रहा है. समझ गया कि नहीं. तो आज का दूसरा एजेंडा है